तो एंथोनी गिंटिंग और जो कोडाई नारोका है, ऑफकोर्स इनकी मैचेस के बीच में जो मेन चीज़ हमें डिस्क्राइब करनी है, डिस्क्राइब तो क्या ही होती है, पर रेली एनालिसिस और मेन गेम्स के बारे में अगर बात करें तो शुरुआत ही हम करेंगे दोनों पर्सन की जो सिमिलैरिटीज़ है, कौन सी चीज़ है जो दोनों पर्सन में एक बोल सकते हैं ना कि एक टॉप लेवल की है और वो एडवांटेजेस भी है। दो चीज़ मैं शुरुआत ही करना चाहूँगा जो है एक्सप्लोसिवनेस। पहली चीज़ एक्सप्लोसिवनेस अब बैडमिंटन में होती क्या है, उसके रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखो अभी एक कोई भी रैली ले लेते हैं, देखो यहीं पे मैं फिर से थोड़ा पीछे करके रैली ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे कोड़ाई आगे है, ठीक है, एकदम इजी तरीके से देखो उनकी पोजीशन, ये कर्सर पे फोकस करो, ये सेंटर पे है, ठीक है, यहाँ पे है। और अब गिंटिंग करेंगे एक लेफ्ट शटल से। देखो अब कोडाई ने कितने इजी तरीके से स्मैश मार दी, स्मैश या फिर हाफ स्मैश जो भी आपको बोलना है, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना उनको टाइम लगा है वो देखा, वो अगर यहाँ पे आपको बहुत छोटा लग रहा होगा ऑफकोर्स, बट जितना टाइम, फिर से एक और बार कर दूँ ताकि आपको फिर से अंदाज़ा आ जाए कि वो कितने कोर्ट में, देखो यहाँ से यहाँ तक कितने स्पीड में पहुँच गए और जंप भी लिया है। एक और एडवांटेज जो चीज़ बोलते हैं ना कि जंप्स आप तभी ले सकते हो जब आप रेडी होते हो उसके लिए, उसके अलावा आप जंप्स नहीं ले सकते। देखो यहाँ पे जंप भी लिया, उतनी जल्दी वहाँ पे पहुँच भी गए। तो यही चीज़ जो गिंटिंग है और कोडाई नारोका है, दोनों की एक्सप्लोसिवनेस है। एक्सप्लोसिवनेस है मेरा सिंपल मतलब ये है कि जो बैडमिंटन है उसका, ऑफकोर्स उसका सबसे मेन मोटिव हमारा, जब भी मैं बैडमिंटन खेल रहा था या फिर कोई भी बैडमिंटन का बेसिक यही होता है कि हमें पॉइंट लेना है, वो ड्रॉप से हो, स्मैश से हो, कुछ भी हो। आप कोई भी शॉट एकदम परफेक्शन से कब खेल सकते हो, अगर आप कुछ भी सोचो तो परफेक्शन से आप कोई शॉट तभी खेल सकते हो जब आप वहाँ पे खड़े हो। जैसे आप कहीं पे टॉस मारना है तो पीछे जाके टॉस आप कितना परफेक्ट, जैसे टॉस तो कोई भी मार लेगा एकदम भाग भाग के भी मार लेगा, बट परफेक्ट मुझे जैसे सामने वाले के एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे मारना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखा दूँ, जैसे ये कोडाई आगे जाके उनको लिफ्ट करनी है एकदम, वो ये बोलता है ना कि ये वाले कॉर्नर पे, कर्सर पे अगर आप फोकस करो, ये कॉर्नर पे उनको लिफ्ट करनी है, तो वो यहाँ पे खड़े होकर लिफ्ट करेंगे ना, वो सबसे इजी होगा, जबकि यहाँ से उनको एक स्टेप लेके यहाँ पे पहुँचना पड़ रहा है, राइट। बट होगा क्या कि वो हम पूरे को मैच में यहाँ पे आके खड़े तो हो नहीं सकते, तो क्या करते हैं लोग, सेंटर में जाते हैं ताकि वो सारे पार्ट्स को कवर अप कर सके। अब यहाँ पे एक्सप्लोसिवनेस कहाँ एक अच्छा पार्ट बिहेव करती है, देखो यहाँ से ये कोडाई है, वो लिफ्ट भी कर सकते हैं, बट उन्होंने शॉट्स को चेंज किया। यही चीज़ एक्सप्लोसिवनेस से मेरा मतलब ये था कि हर एक जो पार्ट होता है ना कोर्ट की, उसमें कितना जल्दी आप पहुंच सकते हो और जा पहुंचने के बाद आप शॉट्स कितना परफेक्टली खेल सकते हो, उसी को मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि एक्सप्लोसिवनेस। लाइक जैसे मैं यहाँ से बैक कोर्ट है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाऊँ, फिर से देख लो एक्सप्लोसिवनेस क्या होती है। देखो यहाँ पे जैसे ही सर्व करेंगे, गिंटिंग ने यहाँ से लिफ्ट की है, देखो कितना जल्दी कोडाई पहुँच चुके हैं वहाँ पे और स्मैश भी मार दिया उन्होंने। यहाँ से उनके पास कितने ज़्यादा अलग अलग जो बोलते हैं ना वेराइटीज़ ऑफ शॉट्स आ चुकी थी, जैसे वो ड्रॉप्स लगा सकते थे, टॉस लगा सकते थे, उन्होंने चूज़ क्या किया, पॉइंट स्मैश मार के फिनिश। मेन चीज़ हमेशा याद रहती है कि आप डबल्स खेल रहे हो या फिर कोई भी बैडमिंटन की कोई चीज़ खेल रहे हो, आपका फोकस फिनिशिंग पे होना चाहिए, रैली बिल्डअप करने पे आपका फोकस होना ही चाहिए, बट इफ़ अगर आपको पॉइंट मिल रहा है तो उसे फिनिश करो, ख़त्म करो। ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोसिवनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप देखोगे कि जब ली चंगवी है, लिंडन है, ये सारे लोग काम तो थे ही, बट इनके यंगर वर्जन देखोगे ना आप जाके 18-16 ईयर्स की एज के, जब ली चंगवी लिंडन थे, इतना फास्ट और इतनी बोल सकते हैं स्पीड में वो लोग मूव करते थे कि आपको लगेगा यार इतना फास्ट बैडमिंटन कोई कैसे खेल सकता है। सारे पार्ट कोर्ट के जो पार्ट्स थे ना वहाँ पे यंगर एज में वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट घूमते थे। सिमिलरली यहाँ पे एंथोनी गिंटिंग और जो कोडाई नारोका है, दोनों की सिमिलरिटी ये है कि एक्सप्लोसिवनेस मैं बोलूँगा कि उनसे भी बेटर है। एक्सप्लोसिवनेस हर जगह पे पहुँच जाते हैं बहुत ही फास्ट, उसे सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जल्दी आप पहुँच जाओगे तो जल्दी आपके पास ऑप्शंस बन जाएंगे कौन से शॉट्स खेल सकते हो कौन से नहीं। ये एक सिमिलरिटी है, बट इसमें भी एक थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि फ्लॉ हो सकता है। जितना जल्दी आप पहुँचोगे आपका उतना ही ज़्यादा स्टेमिना खत्म होने वाला है, जितना कम स्टेमिना बचेगा आपके अंदर उतना ही ज़्यादा आपके भाई बोल सकते हैं कि आपके डिसीजन मेकिंग में चेंजेस आते हैं। जैसे आप एक्सप्लोसिव हो बट सामने वाला एकदम डिफेंसिव है बहुत ही ज़्यादा, वो आपके सारे स्मैशेस
आपके सारे जितने भी शॉट्स हैं उसको रिटर्न ही करे जा रहा है, तो एक टाइम पे आ गया आपको गेम को थोड़ी बहुत चेंज करनी ही होगी। आप हर एक शॉट में एक्सप्लोसिवनेस नहीं दिखा सकते। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल दूं तो जब एकोडाई नाराओका टॉप के जितने भी प्लेयर्स हैं 2023 के पिछले वीडियोस जाके मैचेस जाके देखो, टॉप के जितने भी प्लेयर्स हैं सारे प्लेयर्स को वो ऑलमोस्ट हरा देते हैं, बट जब उनकी मैच आती है विक्टर एक्सेलसन के सामने वो उस लेवल पे नहीं खेल पाते हैं जिस लेवल पे वो दूसरे प्लेयर्स के सामने खेलते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि विक्टर एक्सेलसन स्टेबल फुटवर्क, स्टेबल गेम प्ले, और उनको पता है कि कब उनको एक्सप्लोजिव जाना है और कब उनको रुकना है। जब एक 6'5" हाइट, जैसे 6'5" हाइट वाला पर्सन जंप लेके स्मैश मारता है, वो बहुत ही डीप स्मैश होती है, उसको डिफेंड करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे कोडाई नाराओका वहाँ पे भी फेस करते हैं भाई, वो चीज़ की जब एंथोनी गिंटिंग भी एक्सेलसन के सामने जाते हैं वही चीज़ फेस करते हैं। बट इनका एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि दोनों के दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं कि उनकी एक्सप्लोसिवनेस को वो अपनी वीकनेस नहीं, वो उसको बहुत ही ज़्यादा, वो बोलते हैं ना कि एडवांटेजेस में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपको मैं एग्जांपल के लिए ये रैली खत्म हो जाए, नेक्स्ट रैली में आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करके बताता हूँ। देखो सर्विंग के रिलेटेड तो भाई सिंपल है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। देखो यहीं पे जैसे सर्व की है, देखो कितना नीचे, देखो यहाँ पे अगर आप गिंटिंग को देखो तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखोगे, उनका लेग कितना मूव कर रहा है, देखो यहाँ पे कितना बैंड हो चुका है। इतना बैंड विक्टर एक्सेलसन नहीं कर, मैं कर सकते, ऑफकोर्स वो कर सकते हैं बट इतना बैंड वो नहीं करेंगे। इतना बैंड वो अगर करेंगे तो उनकी अपर बॉडी वो इतना ज़्यादा फोर्स अपने नीज़ पर बना देगी उनकी हाइट की वजह से कि उनको पेन नहीं बोल सकते बट उतना ही ज़्यादा उनका स्टेमिना बोल सकते हैं कि अफेक्ट करेगा। इसीलिए गिंटिंग जितना मूव कर पा रहे, जैसे मेरी छोटी हाइट है, मुझे पता है कि मैं एकदम डाउन रह के पूरे कोर्ट में भाग भाग सकता हूँ, अपने पास सारे पॉइंट्स कवर अप कर सकता हूँ। सिमिलरली सेम चीज़ गिंटिंग और कोडाई नाराओका के साथ भी है, तो इनका फुटवर्क मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सेकंड पॉइंट पे ही आ जाते हैं एक्सप्लोसिवनेस के साथ कि फुटवर्क के अंदर क्या चेंजेस आते हैं जब आपकी बोल सकते हैं एक्सप्लोसिवनेस बढ़ चुकी हो। फुटवर्क के अंदर दो तीन चीज़ें चेंजेस आती है, जैसे मेरी हाइट 5'6" 5'7" है राइट, और गिंटिंग भी शायद 5'8" 5'9" के आसपास है शायद तक। तो ये चीज़ क्या होती है कि जब हमारी हाइट जो शॉर्ट होती है ना एज कम्पेयर टू टॉलर प्लेयर्स लाइक विक्टर एक्सेलसन, तो हमें ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ते हैं पूरा कोर्ट कवर करने के लिए। जब हमें ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो ऑफ कोर्स हमें भाई एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोडाई नाराओका और जो गिंटिंग है दोनों की एक्सप्लोसिवनेस की वजह से उनका फुटवर्क है ना वो डेढ़ स्टेप या फिर एक स्टेप के अंदर ही पूरा कवर कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यही रैली अगर मैं वापस करके दिखाऊँ तो आपको आइडिया आ जाएगा मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो गिंटिंग यहाँ से एक स्टेप लेके, यहाँ पे दो स्टेप लेके वो कोर्ट को कवर करके यहाँ पे स्मैश मार सकते हैं या फिर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। बट गिंटिंग क्या करेंगे, यहाँ से सीधा उन्होंने जंप ले लिया। जंप कैसे वो ले पाए, देखो यहाँ से सीधा उन्होंने जंप ले लिया, वो जंप कैसे ले पाए, एक्सप्लोसिवनेस की वजह से। यहाँ से मोस्ट ऑफ लोग एक स्टेप लेते हैं, एक या दो स्टेप लेते हैं, वहाँ से शॉट्स को या फिर रैली कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। बट यही चीज़ आप दोनों प्लेयर जैसे कोडाई नाराओका और गिंटिंग दोनों में चेंज कर देखोगे कि दोनों के दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो यहाँ से ऐसे जो मोमेंट्स आते हैं ना वहाँ से स्मैशेस मारते हैं, ड्रॉप्स मारते हैं, अटैकिंग गेम प्ले दिखाते हैं। तो फुटवर्क के अंदर एक्सप्लोसिवनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फुटवर्क के बारे में ही थोड़ा बहुत डिस्कस ज़्यादा करते हैं। दोनों का फुटवर्क मुझे ऑलमोस्ट सेम लगता है, ऑलमोस्ट मुझे इसमें चेंजेस सिर्फ एक ही है, कोडाई नाराओका के जो फुटवर्क है ना वो थोड़ा बहुत जापानीज प्लेयर्स जैसे आप अकाने यामागुची नोजुमी याकुहारा ये सारे लोगों के देखोगे ना तो वो फुल टू जंप नहीं लेते। मतलब फुल टू जंप से मेरा मतलब ये कि शॉर्ट शॉर्ट जंप्स लेते हैं। देखो अगर यहाँ पे आए तो मैं एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ऐसे आप आपकी आपकी हाइट से जैसे गिंटिंग है, देखो यहाँ पे एक स्टेप लिया, ये तो आउट ही जा रहा था इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। देखो ये अगर इससे मैं आया तो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। ये देखो यहाँ से स्टेप, देखो पूरा जितना हो सकता है ना गिंटिंग ग्राउंडेड रहते हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कितना बैंड होके वो खेल रहे हैं, ये चीज़ है। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे पहले है ना, यहाँ पे कोडाई नाराओका यहाँ से स्मैश मारेंगे। देखो स्मैश मारा उन्होंने, परफेक्ट जंप स्मैश, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखो यहाँ से सेकंड स्टेप क्या है, सेंटर में आना, सेंटर में पहुँच गए। अब देखो सेंटर में पहुँचने के बाद वो क्या करते हैं, छोटा जंप।
समझ आ रहा है, ऐसे छोटे जंप्स वो उनके गेम प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उनका गेम प्ले और फुटवर्क है ना गिंटिंग से थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। गिंटिंग का फुटवर्क मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी नीचे ही रहती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मतलब ये मेरा ये है कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी होती है ना वो सिंक्रोनाइज में रहती है उनकी। ऐसा नहीं है कि अपर बॉडी आगे जा रही है, लोअर बॉडी कहीं और ही जा रही है, लोअर बॉडी एकदम फुटवर्क में आगे जा रही है, अपर बॉडी पीछे ही रह जा रही है, तो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर यहाँ पे देखो, ये मैं पॉज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे गिंटिंग को अगर आप देखोगे, अपर बॉडी थोड़ी बहुत मुड़ी हुई है, लेग्स देखो वो भी थोड़े बहुत मुड़े हुए हैं। यही चीज़ के बारे में बात कर रहा था मैं, दोनों के दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका फुटवर्क बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट मुझे लगता है ना तब तक स्टेबल है, इतना स्टेबल फुटवर्क मुझे बहुत ही कम देखने मिला है बैडमिंटन में। दैट्स वाई जो गिंटिंग है वो सेकेंड नंबर पर थे, बट अभी कुडैनारोका का उनको हटा के सेकेंड पर आ चुके हैं। बट स्टिल ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स इनके सामने आने नहीं चाहिए। जो प्लेयर है जो ऑफकोर्स वह जो हमारे विक्टर एक्सेलसन है वो आ जाते हैं तो वो यार उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। तो यही चीज़ है, अच्छे प्लेयर्स हैं बट बोल सकते हैं कि विक्टर एक्सेलसन तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा।